हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एक पोएम है और इस स्टोरीज का नाम है फेरी। बहुत बढ़िया एक पोएम है, छोटी सी कविता कहानी ही है, कहानी के रूप में है। अब देखिए जरा सी प्यारी सी कहानी कौन सी है। आई वेंट इन टू द वुड्स वन डे, एक दिन मैं जंगलों में गया। एंड देयर आई वॉक्ड एंड लॉस्ट माई वे, और मैं वहाँ चलता गया और मैं अपना रास्ता भूल गया। When it was so dark, I could not see, जब इतना अंधेरा हो गया कि मैं देख नहीं सकता था। A little creature came to me, एक छोटा सा प्राणी मेरे पास आया। He said if I would sing a song, उसने मुझे एक गाना गाने के लिए कहा। The time would not be very long, जो समय था वो ज़्यादा नहीं लगेगा, उसने कहा। गाना गाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या ज़्यादा समय था नहीं, ज़्यादा लंबा समय था नहीं। बट फर्स्ट आई मस्ट लेट हिम होल्ड माई हैंड टाइट, लेकिन पहले मैंने उसको उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा कि मैं अगर मुझे क्योंकि मुझे जंगल था, जंगल में डर लग रहा था, और उसका हाथ अगर टाइट पकड़ लेता तो मुझे डर नहीं लगता। और एल्स द वुड गिव मी ए फ्राइट, नहीं तो मुझे उस जंगल में डर लगता। आई सेंग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया। ही लेट मी गो, और उसने मुझे जाने दिया। बट नाउ आई एम होम अगेन, लेकिन अब मैं घर पर दोबारा हूँ। देयर इज़ नो बडी आई नो, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जिसे मैं जानता हूँ। रिटन बाय स्टीव स्मिथ। तो इट वॉज इमेजिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की कल्पना थी, और जो जंगल में घूमने की कल्पना करता है और वहाँ पर वो किसी से मिलता है, फिर उसे गाना गाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चा डरता है क्योंकि घना जंगल था, और इस वजह से वो हाथ पकड़ने के लिए कहता है। जब उसका हाथ पकड़ा जाता है तो गाना गा देता है, और वहाँ से फिर उसे छुट्टी मिल जाती है और वापस वो अपने घर पे आ जाता है। लेकिन घर पे आने के बाद वो कहता है यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ मिस करता है जो वो जंगल में उसे प्राप्त हुआ था, जिससे वो मिला था। तो वो कहता है कि यहाँ सब लोगों को जानता हूँ, लेकिन वैसा मुझे कोई नहीं मिल रहा। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा बुक वर्क देख लेते हैं इस पोएम का। बहुत सुंदर पोएम थी जो स्टीव। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज है, और छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द बॉय गो, लड़का कहाँ गया। इन द वुड, जंगलों में। इन द मार्केट, बाजार में। तो लड़का जंगलों में गया तो इन द वुड्स। वाई ही वॉज अनएबल टू सी, वो देखने में असमर्थ क्यों था। बिकॉज इट वॉज सो डार्क, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। या फिर देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ कोई बिजली नहीं थी, तो जंगल में अंधेरा था, तो बिकॉज इट वॉज सो डार्क। तीसरा है, वट वुड नॉट बी लॉन्ग फॉर द बॉय, बच्चे के लिए काफ़ी देर तक या काफ़ी समय तक क्या चीज़ नहीं थी। टाइम नहीं था उसके पास, या डे नहीं था, तो उसके पास टाइम नहीं था। क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, इनको पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। हु इज आई इन द एबो लाइन, अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया है। आई सेंग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया। ही लेट मी गो, बट नाउ आई एम होम अगेन, उसने मुझे जाने दिया और अब मैं घर पर दोबारा हूँ। हु इज़ आई इन द एबो लाइन, तो आई कौन है ऊपर वाली लाइन में, तो आई ए लिटिल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी। वट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो ही सेंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया। वेयर हैज़ ही कम बैक नाउ, अब वो वापस कहाँ आया है। ही केम बैक ए होम अगेन, वो घर पर वापस आया है, या फिर ही इज़ बैक होम अगेन। तो राइटिंग फन यहाँ पर देखें, तो राइट द राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स में डे का वे हो गया, सी का बी, सॉन्ग टंग टाइट ब्राइट। और अगले एक्सरसाइज में एड एल वाई टू दिस वर्ड्स, इन शब्दों में एल वाई मिलाना है हमें और नए वर्ड्स बनाने हैं। जरा देखिए अगला, तो यहाँ पे एल वाई ऐड करने के लिए कहा गया, तो एंग्री में हम एल वाई ऐड करेंगे तो एंग्रली, हंग्री में हंग्रीली, क्यूरियस क्यूरियसली, पोलाइट पोलाइटली, टाइट टाइटली। और यहाँ फन के लिए दिया हुआ बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, रीअरेंज द वर्ड्स, शब्दों को रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे करना है, जैसे द राइजेज सन द इन ईस्ट, तो आपको बनाना है द सन राइजेज इन द ईस्ट। गो टू आई पार्टी डेली, इसको सही करके लिखना है मुझे, तो आई गो टू पार्क डेली, तो यहाँ पे पार्ट है, इसको पार कर लेना की आएगा। वॉशेस क्लोथ्स वॉशरमैन द, तो द वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स। ब्लू इज स्काई द,
द स्काई इज ब्लू. फादर इज टीचर माई ए. माई फादर इज ए टीचर. तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स.